नहीं, जो आपकी बात जो है, जैसे बलरक पार्क जो है हिमाचल प्रदेश का एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन ले की हुई है और हम बहुत तेज़ी से इसको विकसित कर रहे हैं। एक्सटर्नल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, वाटर सप्लाई की है और बिजली की सप्लाई है, उसके लिए हमने टेंडर फ्लोट करके काम शुरू कर दिया है। अब जो अंदर का जो काम करेगा, जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा जिसे हम तलाश कर रहे हैं, वो लगभग 1,000 करोड़ रुपए लगा करके उसकी जो अंदर की प्लांट पार्क अंदर को डेवलप करेगा। अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमको ये है कि जो आपकी बात ठीक है कि इसका जो सॉलिड एफ्लुएंट होगा, सॉलिड वेस्ट होगा और जो लिक्विड डिस्चार्ज होगा, एफ्लुएंट होगा, वो बहुत पॉइजनस और बहुत वो डेंजरस टाइप का होगा। और इसको ट्रीट करना, इसको किस तरह से हम उसको करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इसमें एक्सपीरियंस हो। और जिस तरह से आप गुजरात और आंध्र प्रदेश की बात करें, सुपर इंडिया में सिर्फ बलरक पार्क एक ही है, वो विशाखापट्टनम में है, और उसका जो लिक्विड डिस्चार्ज है उसको ट्रीट करके वो सी में 5 किलोमीटर लाइन ले जा करके सी में उसको कर रहे हैं। मगर जब सी में भी डालते हैं, एफ्लुएंट लिक्विड एफ्लुएंट डालते हैं, वो उसको ट्रीट करके डालते हैं। हम हिमाचल प्रदेश में जो लिक्विड एफ्लुएंट है, हम ऐसा प्लांट लगाएंगे, ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे कि हमारा जो डिस्चार्ज है, लिक्विड डिस्चार्ज जीरो होगा। हम इस बलरक पार्क से लिक्विड डिस्चार्ज हम करेंगे ही नहीं। जो सॉलिड वेस्ट होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल लाएंगे, रॉ मटेरियल चाइना से आएगा या बाहर के देशों से आएगा, इंडिया में रॉ मटेरियल इसका बहुत कम मिलता है, क्योंकि बलरक पार्क इसलिए बनाया गया क्योंकि कोरोना के दौरान इंडिया में मेडिसिन की शॉर्टेज पड़ गई थी और मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही आता था। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हम इंडिया में जो है इसका जो रॉ मटेरियल है दवाइयों का, वो इंडिया में बलरक पार्क के माध्यम से उसको बनाया जाएगा। अब इसमें ये मान के चलो आपकी जो हमारा रॉ मटेरियल आएगा वो राउंड अबाउट 50-60% वो जो है वो वेस्ट होगा। उसको किस तरह से ठिकाने लगाना है, उस तरह से जो एक वो हमारे पर्यावरण को, हमारे लैंड को या हमारे उसके माध्यम से सीपी ना हो, उसको वो ना हो, क्योंकि हमने प्राइवेट मेडिकल डिवाइस पार्क विशाखापट्टनम में हमारी टीम जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम सेक्रेटरी इंडस्ट्री डायरेक्टर इंडस्ट्री में लोग गए हैं वहाँ पे, उसको लेयर्स में डालते हैं। पहले प्लास्टिक की शीट होगी उसको डालेंगे, फिर थ्री टायर वो शीट होगी उसमें रैप करके उसको जो है ना फेजेस में उसको डालते हैं, उसको ट्रीट करके डालते हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जो भी ट्रीटमेंट होगा वो वर्ल्ड क्लास लेवल का ट्रीटमेंट होगा, जिससे कि लोगों को या जमीन को या कोई ऐसा जो है इस तरह का कोई नुकसान नहीं हो। सर दूसरी चीज ये थी कि जिस तरह से क्रशरों पर प्रतिबंध लगा है अभी भी है, तो एक ट्राली जो पहले 4,000 रुपए की आती थी, प्रदेश के विभिन्न भागों में 15,000 रुपए में बिक रही है, तो क्या कारण है और इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? नहीं देखो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब आपदा आई, बाढ़ आई, बारिश आई थी, तो बहुत सारा हिमाचल प्रदेश में नुकसान भी हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि माइनिंग की वजह से जो है ये नुकसान हुआ है। ठीक है, माइनिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ये बात नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी ने फिर आपदा राहत कोष में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है क्रशर्स को बंद कर दिया था और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है कि वो जो है इन जो क्रशर्स है इसके और माइंस हैं इनको किस तरह से रेगुलेट किया गया है, किस तरह से इसको चेक किया जाए, वो इन्होंने कमेटी फॉर्म की है और उन्होंने कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सबमिट कर दी है और मेरी सेम हिसाब से कल भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जल्द जो है इस पे जो है इसको जल्द फैसला जो है मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि क्रशर बंद होने की वजह से कुछ जिलों में, विशेष करके कांगड़ा जिले में और कुल्लू और मंडी में जो है वो रेट्स बढ़े हैं और पंजाब से भी रॉ मटेरियल आ रहा है। मुझे विक्रमादित्य PWD मिनिस्टर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि PWD का काम भी जो है वो प्रभावित हो रहा है क्योंकि रोड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैंने सारी बातें मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस विषय पे जल्द फैसला हो जाए। सर लगभग कितना नुकसान हो रहा है दिन का, डेली का सरकार को, और दूसरा सर इसी माह खुल जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कुछ दिनों में, 2 या 1-2 दिन में खुल जाएंगे। और नुकसान तो ये है कि माइनिंग डिपार्टमेंट को तो ये मान के चलो 30-40 लाख रुपये हर रोज का नुकसान हो रहा है,
जयराम जी क्या कह रहे हैं वो तो विपक्ष के रूप में सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे, वो तो सरकार की आलोचना करेंगे, उनका काम है। अब उन्होंने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सीख ली, अपनी दुकान उन्होंने भी चलानी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी चलानी है। मगर आप मेरे से भी प्रश्न पूछ रहे हो, हमने 1950 करोड़ रुपए का बलरक पार्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो 350 करोड़ रुपए की लागत से है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है, कॉलेजेस की बिल्डिंग्स है, स्कूल की बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग है, करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश में विकास जो है वो हो रहा है। अब ये बात बोलना कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो मुझे नहीं लगता कोई तर्कसंगत बात है। और विशेष करके 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा आई है, सारा विकास कार्य और सारी चीज़ें जो है वो थमी है, मगर अब इस सारे काम में विकास के मामले में तेजी आई है। सर, जो शीतकालीन सत्र है जैसे दिसंबर में होता है, तो क्या निर्धारित समय पर ही होगा, क्योंकि इस बार मॉनसून सेशन को भी थोड़ा लेट करना पड़ा था, या थोड़ा इसको आगे किया जा सकता? नहीं, निश्चित रूप में जो विंटर सेशन होगा वो धर्मशाला में होगा, समय समय पे होगा, क्योंकि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारा जो मॉनसून सेशन हुआ तो सितंबर में, तो 2 महीने भी मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद जनवरी के दिसंबर में या जनवरी महीने में मॉनसून विंटर सेशन होगा। सर, नई भर्तियां लटकी हैं, राज्य चयन आयोग कब तक बहाल हो पाएगा? देखो, राज्य चयन आयोग जो है उसकी बहाली कर दी गई है, ऑफिसर्स को उसमें डिप्यूट कर दिया गया है, लगा दिया गया है, और रिजल्ट्स जो रुके हुए रिजल्ट्स थे उनको, जिनमें केसेस नहीं थे उनके रिजल्ट्स घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, और नई जो रिक्वजिशन है, नई रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट्स की, हमीरपुर सुपरिटेंडेंट सर्विस चयन आयोग को, वो डिपार्टमेंट ने कर दी है। अब किसी भी संस्था को, जो सुपरिटेंडेंट सर्विस बोर्ड तो भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहाँ पेपर बिकते थे और उसमें सफाई करना जो है जरूरी था, अब वो नॉर्मल रूटीन में हमीरपुर बोर्ड जो है वो काम करेगा, और हिमाचल प्रदेश में नौकरियों के मामले में तेजी आएगी।